वेटिकन सिटी पोप को भेटिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पोप को सौजन्यमूलक साक्षात कर मुख्यमंत्री विदेश गस्तर तृतीय दिन में आज पोप को भेटिंट नवीन। यापर मुख्यमंत्री रोम स्थित जातिसंघर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रे ओडिशार सफलता कहानी संक्रांत एक कार्यक्रम में उद्बोधन देवे। तापर मुख्यमंत्री 26 तारिख अपराह 3:25 समय रोम्रु दुबई अभिमुखे गस्त करेंगे। दुबई में 29 तारिख में भारत सरकार और फिक्की द्वारा आयोजित ओडिशा निवेशक सम्मिलनी बा इन्वेस्टर्स मीट रे जोगदेवे नवीन। 30 तारिख अपराह 3:25 दुबई छाड़े और रात्रि 8:30 नूआदिल्ली विमान बंदर में पहुंचे। सेठारु रात्रि 9:30 भुवनेश्वर अभिमुखे बाहरी रात 11:30 एठारे पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर विस्तृत सूचना दी जाए। दीर्घ 10 वर्ष पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विदेश गस्तर जाइछन्ते। तेज संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन रही आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्यज्योति, वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कार्यक्रम को नहीं कौन अपडेट खबर आवास देखते मंडाके निश्चित भाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विदेश गस्तर आज हूँ तृतीय दिन में आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वेटिकन सिटी ख्रीष्ट धर्म जी गुरु रही ख्रीष्ट धर्म गुरु भेटी भेटा सहित किस समय आलोचना होती। निहाती भाव में विदेश गस्त को नहीं जी चर्चा था मुख्यमंत्री अधिक चर्चा था जे रोम वेटिकन सिटी जीवे से पोप को भेटे एक को नहीं अनेक चर्चा आलोचना लगी रही है। आपड़ देखिए जो रोम आज तृतीय दिन रोम गस्त रखते मुख्यमंत्री तृतीय दिन में पोप को भेटी और पूर्व आप देखिए प्रथम पर दिन कथा आप देखिए भारत जी राष्ट्रदूत रही भेटी गत काली महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति पुष्पमाल्य देखिए गोटे पटचित्र आसला। निहाती भाव प्रत्येक दिन कितना किसी पटचित्र सामना को आसूस आज ये जो पटचित्र निहाती भाव यहाँ समस्त नजर रही कारण ओडिशा विशेषकर भारत प्रथम मुख्यमंत्री हिसाब से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ख्रीष्ट धर्मगुरु पोप को भेटुंट निहाती भाव में नहीं चर्चा आलोचना लगी रही दिन धरिकी सहित आहरी अनेक गुड़े कार्यक्रम रही मुख्यमंत्री जमी कहते वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उद्बोधन देवा रही सहित इटाली रे किसी प्रवासी ओडिया को भेटा कार्यक्रम रही दुबई जीवे। निहाती भाव में 10 वर्ष पर मुख्यमंत्री विदेश गस्तर रही विदेश गस्तर आज तृतीय दिन और आहरी 2-3 दिन रोम इटाली रही मुख्यमंत्री 26 तारीख में मुख्यमंत्री इटाली दुबई अभिमुखे यात्रा करेंगे। पूरा पूरी घटना पर आप नजर रखी था। दिव्यज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना।